गुड मॉर्निंग जैक्सन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सोनी कुमारी, घर बेला हुआ। आज हम आप सबको बताएंगे सर, ये बेम्बतूत बर्स है और ये कॉफ़ी है। हम आपको बताएंगे कि हम जब इसके बारे में जब हमसे कोई पूछा तो बोला कि मैडम ये क्या चीज़ है, तो हमने इसके बारे में बताया कि ये देखिए आम, ये जो हम आप सब 10 रुपया में या 15 रुपया में दुकान से लाकर जो बर्स करते हैं उसमें और हमारे ये डिएक्शन के ये बर्स में बहुत अंतर है। बोल रहे क्या यही तो मतलब क्या अंतर है हमें बताइए। तो हम बताए कि ये एक तो है कि ये डिएक्शन का सबसे अच्छा चीज़ है। ये बाँस हम खोल ऐसा तो खुला नहीं है, ये बाँस का लकड़ी का बना हुआ है और इसका जो मंजन जो है ये बहुत भी सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। तो हम बोले कि खासियत बताइए हमको, तो हम बताए बोले कि देखिए ये बचपन से आदमी सब क्या करता है, एक छोटा भी बच्चों को भी बर्स दांत दांत धुआता है और अपना भी करता है। तो क्या है कि मसूहर जो होता है हम सबको बहुत लर्म होता है, इसीलिए बर्स में उसमें और इसमें बहुत फ़र्क था। हम उसको बताए थे कि ये देखिए इस तरह का होता है ये, तो हम बताए थे कि ये एक लकड़ी बांस का लकड़ी का बना हुआ है और ये जो है ये बहुत ही सॉफ्ट है। बताए बताइए तो बोले एक छोटा सा बच्चा को भी है जो आजकल में सब बर्स से दांत मांजने और धोने देते हैं, एक अपना भी लगाते हैं, उससे हानि क्या होता है कि हम सबको जो मसूर होता है बहुत लर्म होता है। वो आम जो हम दुकान से करते हैं वो कभी कभी क्या होता है धोते धोते क्या होता है तो कभी कभी मसूर में लग जाता है तो उससे घाव हो जाता है। घाव होने के कारण क्या होता है, घाव होते होते दांत ही खराब होता है। दांत जब आपका मसूर खराब होगा तो आपको दांत में प्रॉब्लम तो आएगा ही, और बाद में आपको क्या होगा प्रॉब्लम जब कैडेट खराब होगा तो कनकनी आएगा, आपको दांत उखाड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत ही आसान है ये, आप बच्चों को भी दे सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। ये आपको कोई नुकसान नहीं, मसूर में नुकसान पहुंचा सकता है और नहीं आपको दांत में नुकसान पहुंचा सकता है। और ये कॉफ़ी है, हमने अमरजीत को बताए थे इस कॉफ़ी के बारे में, हमसे पूछा था कि नाम क्या चीज़ है, बोला हम अमरजीत को बताए थे वो क्या है, उसको पेट में बहुत दर्द था तो पूछा कि दर्द हमको डॉक्टर से ख़त्म होता है और कहीं से नहीं ख़त्म होता है। हम उसको बताए थे कि अब डॉक्टर से ख़त्म होता है तो एक बार भाई मेरे भी बात मान लीजिए, अगर हो सकता है कॉफ़ी पीने से अगर ठीक हो सकता है तो होगा, लेकिन होगा ही। तो हम उसको दिए थे, जब हम गए तो उसको 5 कॉफ़ी दिए, तो कभी वो कभी मतलब केमिकल वाला दवाई सब यूज नहीं किए थे, लेकिन ये सच बात है मिलाए हैं। जो केमिकल वाला दवाई सर नहीं खाते हैं वो जो अगर ये खाते हैं तो उससे पहले इसको तुरंत ही उसको रिजल्ट मिल जाता है कि उसको हम जब दिए ना तो 5 कॉफ़ी लिए तो उसको मतलब मोटापा चालू हो गया, मतलब इसका शरीर जो है ना से अच्छा हो गया, पूरा दुबला पतला था, ऐसा लग रहा था कि बूढ़ा है। और जब 18-19-20 साल का बस था उसको, हमने दिए ना तो पूरा उसका बॉडी अच्छा हो गया, मस्त हो गया। बोले कि हम तो आप क्या दे दिए हमको, नहीं दे दिए हम तो, हमको तो मोटापा बढ़ने लगा, हम तो मोटा गए, हमको मुँह गाल से सब फूलने लगा, मैम आप क्या दे दिए हमको। हम कहे देखिए मेन बात तो ये है कि आप पहले ब्रांडेड को देख लीजिए, कोई लोकल कंपनी का नहीं है, डिएक्शन कंपनी का है कॉफ़ी। तो बोले हाँ लेकिन है हमको मोटापा क्यों आ गए। हम कहे देखिए मोटापा कोई अथी बात नहीं है, मोटापा इसलिए कि आप कभी बोले कि आप इंग्लिश दवाई लिए थे, तो नहीं हम कभी नहीं लिए। बोले जो इंग्लिश दवाई नहीं लेते हैं ना उस पर ज़्यादा सूट करता है। बोले कैसे, तो इसको जो हम कह आप कैसे पिए, हम तो हमेशा पीते थे। तो हम बोले आपको क्या फील लगा, बोले कि हमें फुर्ती भी देह में आता था, हम काम करते करते कभी हम नहीं थकते थे। तो हम कहे इसका कारण क्या है कि आपको यही जो है ना आपको अच्छा से आपको सूट किया। तो जब मोटापा बढ़ गया उसको मतलब उसको लगा कि कुछ और दे दिया, तो हम सर से पूछे तो बोले कि आपको हम सर से तसली दिलवा देते कि कोई अच्छी बात नहीं, आप नहीं खाए हैं इनको तो आपको अच्छा है, कचरा साफ किया आपको, कचरा के साथ साथ तब आपको ये सूटेबल और आपको सूट किया। तो बोले हाँ अच्छा है। तो हम उसको जब दिए तब हाँ उसको पता चला कि नहीं अच्छा बात है। तो वो भी कभी कभी अभी जहाँ पर है ना वो भी कहीं से इसको ढूंढ कर लाते हैं तब वो पीता है, क्योंकि इसको विश्वास है पर अभी पास में नहीं है, बहुत दूर में है, तो इसीलिए वो सब नहीं ले पाते हैं हम। लेकिन उसको लत लग गया है इसका, जानता है कि नहीं अच्छा चीज़ है। पर वो आए बोले थे कि हमको लिए हमको एक डब्बा चाहिए, तो हम बोले थे कि ठीक है आप आना तुम ले जाना। तो इसीलिए देखिए ये जो अभी इस सब के कारण है कि हवा पानी भोजन के कारण हम सब बीमार पड़ते हैं, और ये बात अभी सब मान गया है सब। हम देख रहे थे कल अथी न्यूज़ पर देख रहे थे कि
ये गाड़ी सब जो बैक जो है चार चक्का सब जो है जो बोल रहे थे कि अब बंद होगा, इसीलिए बंद होगा क्योंकि डीजल पेट्रोल के कारण, धुआं के कारण हम सब बीमार हो रहे हैं, हवा में प्रदूषित हो रहा है और हवे के कारण हम सबको जो हवा ले रहे हैं उसी के कारण बीमार पड़ रहे हैं। तो बता रहे थे कि सब बंद होगा, तो बंद होगा तो इसका सोल्यूशन भी निकल गया कि चार गाड़ी जो चार चक्का फिर निकला तो वो क्या बिजली जो चार्ज के तरफ से चार्ज होगा, बैटरी पर चलेगा तो कम आदमी बीमार पड़ेगा धुआं से। तो धुआं को रोकने के लिए और बीमारी को रोकने के लिए अभी सब सब सरकार सब सब जो है से सर्च कर रहा है कि बीमारी से आदमी कैसे रुके, लेकिन बीमारी से रुकने के लिए हमारे पास डिएक्शन प्रोडक्ट है, आप इसको खाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं। हम चाहेंगे जैसे दुनिया आगे बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं अपना हेल्थ वेल्थ के बारे में, और आप सब भी सोचिए, क्योंकि सोचिएगा नहीं और खाइएगा नहीं तब तक कुछ होने वाला है नहीं। अभी लोग बहुत ही बीमारी में जा रहा है और हमें लगता है 2025 में जाते जाते हर आदमी एक बड़ा प्रॉब्लम में चला जाएगा। अगर आप सब नहीं जाना चाहते हैं तो हम ये नहीं कहते कि डिएक्शन कोई भी जिसको जो समझे, जिसको पास नहीं दुरस है, जो नहीं ले पाते हैं वो ऑनलाइन पे भी मिलता है, ये आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, मिलवा ले सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि सबको ज़रूरी है डिएक्शन और सबको डिएक्शन प्रोडक्ट जरूरी, क्योंकि सब आयुर्वेदिक को जान गया है कि इंग्लिश दवा से, हाँ इंग्लिश दवा है तत्कालिक के लिए है, तत्कालिक के लिए यूज करिए, और आप जिंदगी भर अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो डिएक्शन प्रोडक्ट को आयुर्वेदिक को अपनाइए। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, थैंक यू।